खबर गाजीपुर जनपद से जहां कोतवाली भुकरा अंतर्गत ग्राम पंचायत घटारो बीती रात रात्रि 12 बजे अमित राम पुत्र रघुनाथ राम निवासी घटारो पर हमला करके जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन गोली उसकी गर्दन से छूते हुए निकल गई, जिसे आनंद फन में सीएससी जखनिया भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया, जो वाराणसी से इलाज कराकर शाम अपने घर घटारो आ गया। बता दें कि अपराध तथा अपराधियों पर काबू पाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक गाजीपुर डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह द्वारा ग्राम घटारो में घटनास्थल का जायजा लिया गया तथा पीड़ित तथा पीड़ित परिवार से घटना के बाबत जानकारी हासिल की, जिसके बाद अपराधियों के खिलाफ सीओ भुरकरा तथा थाना कोतवाली प्रभारी भुरकरा को यह आदेश दिए कि अपराधी को किसी भी हालत में गिरफ्तार करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसके तहत यह भी आदेश देने से नहीं चुके कि उसके जो भी साथी रहे उनको चिन्हित कर किसी न किसी तरह से जेल की सलाखों के अंदर किया जाए तथा अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को कुछ गोपनीय सलाह देकर जिला मुख्यालय को रवाना हो गए। घायल अमित कुमार को भरोसा दिया कि तुम अपने से कुछ नहीं करोगे, सारा काम पुलिस करेगी और तुमको न्याय दिलाने का काम तत्काल किया जाएगा, किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। गाजीपुर जनपद से उग्रसेन सिंह की रिपोर्ट। तो
चल रहा था, तो जब तक जा तो आता सटा के तब मारना चाहे एकदम पास में आके सटा के मारना चाहे।
सीधे जब फायर किया तो मैं किसी न किसी तरह से अपने सर को बचाता है और चार फायर किया, मैं चारों में सर को यही मारने की कोशिश किया, मैं बचा लिया। अंत में फिर मैं तकलीफ करके फिर वो सब को पकड़ दी और मेरे ऊपर किया, उसे पकड़ दिया, फिर चलता आगे फायर हुआ के अंदर अंदर क्रास निकल गया। तो उस वक्त तो जब मारे तो हमको लगा कि मेरी मेरे जान है अंदर में। तो उस वक्त महसूस भी ये हुआ कि जब ये लोग मारने के बाद तुरंत तो हमको छोड़ दिया वहाँ से, थोड़ा दूर खड़ा हो गया और दूर खड़ा होकर मैं देख रहा था कुछ कुछ बंदूक बहादुरी से लड़े हैं, पूछ रहे हैं कि चिंता ना करो अब उनके फिट कर देंगे हम। सर कहने का मतलब ये मेरा ये कहीं ना कहीं लोग और कैसे आगे खिलाफ कोई कोई खड़ा हो जाता है, तो इसके द्वारा हमारे गांव में बहुत सा अत्याचार हुआ है, अनेकों अत्याचार है जिसके खिलाफ में हम लोग खड़ा हुए थे। तो उसी लड़ाई को संदिग्ध 14 में स्टार्ट किया गया था जिसमें काफ़ी लोग का क्षति हुआ है। पूरा ग्राम सभा ये गांव और वो कटारो गाँव तीनों मिल किया, उसे लड़ा, पूरा लड़ा। और एक ऐसा वक्त आ गया था उस वक्त कि वो जो बघरा गांव था यादव समाज का, वहाँ से यादव लोग और लोग सपोर्टर जो उसके हैं अपराधी लड़ के, वो लोग हम लोगों के आदमी भिजाते थे। ये अभी बैठेंगे एक एक आदमी के जो उनके हैं जी, सब चीज़ नोट कराओ सर। तो ये रहेंगे सर, ठीक है जी, पूरा की चीज़ नोट करा दीजिए, कोई बचेगा नहीं। 14 से लेकर आज तक चलो ठीक है, समझ गए हम, ठीक है। आपको भी कुछ करने का, आपके लोग करने की जरूरत नहीं, जो करना है हम लोग करेंगे। हाँ न्याय तो बढ़िया से कर देंगे, समझ गए। मेरे बेटे आ जाओ, ठीक है सर, एक बाइक है तो उपेंद्र ले लो सर। घटारो है सर, घटारो पकड़ पकड़ सर। ये आजमगढ़ का लगाओ सर, ये आजमगढ़ गाजीपुर का बॉर्डर गांव घटारो है। यहाँ लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप सर, इसमें क्या? यहाँ ये जनपद गाजीपुर के घटारो गांव में कल एक घटना घटी थी जिसमें ब्रजेंद्र यादव जो हिस्ट्री शीटर है जी, उसने अमित को गोली मारी, उनकी हत्या करने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में थाना भुड़कुड़ा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। यहाँ लगातार पुलिस बल रहेगा और इनके इस HS के जितने भी एसोसिएट्स हैं, जितने भी लोग हैं,
उनकी सबकी सतर्क दृष्टि रख करके उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो इस घटना में संलिप्त रहे।